हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अरुण सिंह नेगी और आज कर रहा हूँ मैं लेग्स का वर्कआउट विद हरा हरा भरा हगे मारू। और देख रहे हो भाई का ड्रेस पूरा कच्चा वच्चा पहन के आता है। और कन्वर्सेशन चल रही है कि आज मैं अरुण की लेनी देनी करूँगा, जो होता नहीं है, इसके बस की नहीं हो पाती है। तो हम कर रहे हैं सिंगल लेग एक्सटेंशन। वार्म अप के लिए सिंगल लेग एक्सटेंशन लिया है ताकि क्वाड्रिसेप अच्छे से टाइट हो जाए। और इधर साइड से मार के फिर मैंने इधर मारा, और इधर मारने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा मसल पे टाइटनेस आ रही है नहीं आ रही है, जो मेरी आदत बन चुकी है खुद से मसल्स को चेक करने की। और ये हमारा हगे मारू हरा भरा बानर सेना का बानर। मैंने उसको बोला भगवा कलर पहन के, अगर कहाँ हरा कलर पहन के आता तू भी। अब मारे हैं बारबल स्क्वाट्स। धीरे धीरे मैंने बारबल स्क्वाट्स मारना चालू कर दिया है क्योंकि मेरे को बीच में तकलीफ हो गई थी, उसकी वजह से मसल फट गया था, उसकी वजह से मैं लग से मार नहीं पाता था। तो अब मैंने वापस से चालू किया है बारबल स्क्वाट्स और धीरे धीरे वेट बढ़ा रहा हूँ। अभी ज़्यादा हैवी नहीं गया हूँ, 80 किलो ही वेट है और बारबल का मैं वेट गिनता नहीं, जो कि मेरे साथ के लौंडे गिनते हैं। ये कहता है भाई 10 10 20, और 20 उधर लगा 40, और 20 करोड़ की रॉड है तो 60 किलो हो गया। मैंने कहा मैं रॉड गिनता ही नहीं, मेरा पावर लिफ्टिंग में गिनता है। मैंने पावर लिफ्टिंग को अपने आप से कहाँ कंपेयर कर रहा है, अभी देखना ये गलत चीज़ करेगा। इसको स्क्वाट्स के लिए मना कर रहा हूँ ऐसे मारने के लिए, अभी देखना क्या करेगा ये। ओए आगे मत झुक, साले आगे चले जाएगा, जिंदगी भर झुका ही रह जाएगा फिर। चल। और अब कर रहे हैं हम लेग प्रेस, और लेग प्रेस में फुल रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज। बंदे हाफ आप मारते हैं फिर कहते हैं हमारे क्वाड्रिसेप्स में ज्यादा लेग प्रेस की वजह से ज्यादा मजा नहीं आता। तो भाई ऐसे करके देखो, फुल क्वाड्रिसेप्स पंप हो जाएंगे। ये है रियल स्ट्रगल, वर्कआउट वर्कआउट तो दूर की बात है, ये है रियल स्ट्रगल। अब मारे हम 14 सेट। चौथे सेट में भाई ने थपेड़ लिए हैं अपने टांगों को और ये करने लग गया हाफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। बट इसके लिए ठीक है क्योंकि हैवी वेट है, दिक्कत होती है थोड़ी सी, मैं मानता हूँ। कभी कभार कर लेता है फुल रेंज ऑफ मोशन क्योंकि हम बहुत देर से एक्सरसाइज कर रहे हैं, थक भी चुका है। मुंह देख सकते हो आप, प्री वर्कआउट लिया था भाई ने मेरे से। प्री वर्कआउट लेने के बाद हालत ख़राब है भाई की, थोड़ी सी लाल पीला मुंह हो गया भाई का क्योंकि प्री वर्कआउट थोड़ा हैवी हो गया भाई के लिए। भाई कह रहा है बस बंद कर दो यार, हालत नहीं है। अब मेरी बारी लेग प्रेस मारने की। जय श्री राम बोल के कर दिया मैंने चालू, और ये फुल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। देखो अगर आप इस तरीके से लेग प्रेस लगाते हो तो आपके क्वाड्रिसेप्स में पूरा मैसिवली पंप आएगा, आपके क्वाड्रिसेप्स अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। जो बंदे नहीं करते हैं, हाफ आप मारते हैं, कहते हैं हम तो 500-400 किलो मार सकते हैं। अरे 500-400 किलो यार दुनिया मार सकती है। फुल रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज करो तब पता चलेगा कि वेट मारना क्या होता है। हाफ रेंज ऑफ मोशन में तो बच्चा भी एक्सरसाइज कर लेता है यार। देख रहे हो हालत ख़राब हो गई पूरी की पूरी यार। अब कर रहे हैं लेग एक्सटेंशन, और लेग एक्सटेंशन में मैंने 100 किलो पूरा लगा दिया। अब हम 25-25 के 4 सेट लगाएंगे, ना वेट बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, इसी से फुल रेंज में एक्सरसाइज कर रहे हैं। पूरा क्वार्टर सब अच्छे से टाइट हो जाते हैं इससे। आप लोगों ने लेग्स तो बहुत मारे होंगे, बट स्क्वाट्स करने का नया तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये प्रो टिप है, जैसे कि है ना क्वार्टर सब का ना जो रेक्टस फॉर्म और साथ में यहाँ से लेकर पूरा सबसे लंबा मसल होता है वो बहुत ज़्यादा एंगेज हो जाएगा। इस स्क्वाट्स को करके देखना, एक जगह ग्रिप को पकड़ लो, पैर ऐसे रखो हल्का सा, ये नीचे जाओ ऐसे, और ऐसे करके ऐसे 1 2 एंकल्स को उठाना है ऐसे, ताकि आपके पूरे क्वार्टर सब को टाइट करके ऐसा 25-25 के 4 लगाना। 3 बार एक्सरसाइज करने के बाद लेग बारबेल स्क्वाट्स एक्सटेंशन और लेग प्रेस करने के बाद करना, मैं सब पंप आएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। गाइस वो देख रहे हो ये 2 पार्टनर हैं, इसका क्रिएटिन ग्लूटामाइन प्रोटीन चल रहा है और बेचारे का सारा प्रोटीन ग्लूटामाइन शरीर पर ऊपर ही लग रहा है, बेचारे की टांगे नहीं है और 2 बार लेग्स मारता है। ये देख रहे हो कौवा बिरयानी खा रहा है ना आजकल, भाई कह रहा है मेरी टांगों से भाई थोड़ा मसल ले ले। अब कर रहे हैं हम स्टैटिक लंजेस 25 के 4 इस साइड। इससे क्या होता है ना क्वाड्रिसेप्स में बहुत अच्छा पंप आता है, और फ्री वेट करिए ज़्यादा मज़ा आएगा। अब कर रहे हैं इसके बाद हैमस्ट्रिंग, इससे हम स्टिप डेडलिफ्ट कर रहे हैं। पहले मैंने बारबेल पे 10 किलो लगा रखा है, फिर हगे मारू भी कर रहा है, 20 से 25 रैप निकाले हैं, फिर इसके बाद हमने हैवी वेट बढ़ाया है। इसके बाद 3-4 सेट मारे हैं हमने 20-20 25-25 रैप के,
तो पहले दो सेट मैंने 25-25 रैप मारे, फिर इसके बाद में वेट बढ़ा के 15-15, 20-20 रैप तक ले गए, और ये मेरा लास्ट सेट है स्टिप डेडलिफ्ट का, और बहुत ज़्यादा अच्छा पंप आता है हैमस्ट्रिंग्स पे। जो बंदे लैक्रल करते रहते हैं ना, उनके लिए ये बता दूं कि ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है, और ये कर रहे हैं हम इनर हैम्स। ये गाइस, हर जिम में एक ऐसा लौंडा होगा जो घर जाने का मन नहीं करता, अभिषेक कुमार नाम का, विश्वकर्मा। ये साले जिम नहीं जाते सुबह से शाम तक, कभी गोडाउन में पड़े रहते हैं किसी के। अंकल अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपका लड़का बोलने लायक है। ये देखो, मैंने मना किया डंबल रखने के लिए, एक घंटा भी इसमें वेस्ट होगा। ये देखो करेगा अभी, ये देखो ये कमर का पोस्चर खराब कर लेगा, इसको कितना समझा लो। जिम गाइस, जिम में ऐसे लोग होते हैं जिनको ना ट्रेनर सामने समझाता है ना, उनको समझ नहीं आती, दिमाग में भूसा भरा रहता है। ये हरी टी शर्ट वाले ज़्यादा होते हैं, बेकार इंसान होते हैं, ढंग से नहीं मारते, फिर कमर में दर्द हो जाता है, फिर कहते हैं कि भाई तुम्हारी ट्रेनिंग ख़राब है। पर ये मुझसे कह रहा आपके स्टीरॉइड्स ख़राब हैं जो मैं देता नहीं इसको। लिया होगा भाई क्या गलती कर रहा था, तो चैनल को तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कर दो, और आप भी ऐसी गलती ना करें।